हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मॉल जॉयज विद विहान एंड नविता। तो मैंने लास्ट वीक मैंने एक व्लॉग डाला था कि हम लोगों का सडन प्लान बना सोलापुर से पूना जाने का। तो जब हमने घर पे ये बात बताई कि हम लोग आ रहे हैं, तो लाइक एनी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब बच्चे घर आते, तो दे वेर ऑल्सो हैप्पी कि सडनली प्लान बना है। बट उतने सडन में भी माई मदर इन लॉ, माई मॉम, शी कुक्ड चूल्हे पर चिकन, चूल्हे के ऊपर चिकन बनाया उन्होंने। तो मैंने जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं चूल्हे पर चिकन बना रही हूँ, तो मैंने उनको बोला था कि आप वीडियो ज़रूर बनाइएगा उसका, क्योंकि मुझे दिखाना है मेरे सब्सक्राइबर्स को और वीडियो देखने वालों को, व्लॉग देखने वालों को। तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। जो है ये अर्दन पॉट्स में चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। तो अर्दन पॉट्स को थोड़ा सा ये करने के लिए, स्मेल जाने के लिए पानी पहले गरम कर लिया, एंड देन माय मॉम स्टार्टेड कुकिंग फूड। तो ये चिकन बनाया है और ऑलमोस्ट बनने के लिए आया है। बिकॉज शी वॉज़ अलोन, तो उनको उतना शूट करने में और खाना बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो जितना हो पाए उन्होंने कवर किया है। और यहाँ पे रसम बनाया है। सो बेसिकली आफ्टर नॉनवेज वी प्रिफर ईटिंग राइस एंड रसम। तो ये बैंगलोर स्टाइल है कि चिकन खाने के बाद पेपर रसम खाते ही है। और वही मॉम दिखा रहे कि राइस बनाया है और चिकन एंड रसम बनाया है। एंड शी ऑल्सो मेड भाकरीज, बट भाकरीज शी कुडेंट शूट, तो वो रह गया, बट शी डिड अ अमेजिंग जॉब। उसके बाद हम लोग जब पहुँच गए तो डिनर किया। हमने अपने पहले ब्लॉग में देखा ही कि हम पहुंचने के बाद विहान का कितना एक्साइटमेंट था। तो ये डिनर में लाइट चला गया, ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो आई शेयर विथ यू ऑल। उसके बाद हम रात को बैठ के बहुत देर गप्पे, तो रात ऐसे ख़त्म हुआ और सो गए हम लोग। बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, कल बहुत अच्छे से बारिश हुआ था। मॉर्निंग डे टू इन पुणे। मॉर्निंग, पुणे में थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश हो गया रात को, बहुत अच्छे से बारिश हुआ है। तो मैं आपको अभी टेरेस, मम्मी पापा ने जो टेरेस गार्डन गार्डनिंग किया है वो मैं दिखाऊंगी। अच्छा गोभी आया है ना, मस्त आया है गोभी। इसको मैं बंद करती हूँ क्योंकि बहुत धूप आएगा या बारिश आएगा तो इट मे हार्म देम, ये बंद हो जाएगा। और दिस इज़ द प्लेस विच आई लाइक मोस्ट इन द हाउस, क्योंकि यहाँ पे इतना ओपन एयर है एंड सुबह वी कैन हैव टी। नाउ आई एम गोइंग टू हैव टी हियर ओनली, पर थोड़ा सा बारिश है, लेट्स सी क्या होगा। तो ये छोटा सा एक सिटिंग एरिया बनाया है हमने, तो यहाँ पे बेड है, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स यू कैन स्लीप, टेबल, खाना खा सकते हैं। बारिश बहुत हो रही है तो यू कैन सिट इनसाइड। और यहाँ पे एक छोटा बार है और बाकी हर्बल चीज़ें, इसका व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी, इट्स वेरी हेल्पफुल। और बाकी ऐसे टीवी और थोड़ा सा सामान है। तो ये एक छोटा सिटिंग एरिया और वहाँ उस साइड किचन है। तो ये किचन है और एक्स्ट्रा सामान सब स्टोर किया हुआ, एंड ऊपर एक छोटा सा स्टव है चाय वगैरह बनाने के लिए। और इसमें सब चीज़ें जो ऊपर टेरेस पे खाना बनाने के लिए लगने वाली है, यू कैन सी छोटे छोटे डब्बों में मम्मी ने रखा है। तो
यहाँ पे भी चाय कॉफी का सामान है। सो एक घर ही है ऊपर। और यहाँ पे देखो क्रीपर्स और ये कपड़े धोने का एरिया। और ये सब हार्डवेयर की चीजें हैं जो पापा ने रखे होंगे ऑब्वियसली। एक माइक्रोवेव, देखो कितने सारे लेमन्स आए। अब ये पुदीना, कड़ी पत्ता, तुलसी के ऊपर एकदम से आया है देखो, जैसे कि तुलसी के लिए ही है। सोच एक फ्लावर तुलसी के लिए। अजवाइन, ओवा, देखो पुदीना, अगर हम सुबह सुबह यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ट्रीज़ के साथ, तो आप सोच सकते हो कि कितना रिफ्रेशिंग लगता होगा। और हाथ में एक कप चाय हो तो कितना और कितना मज़ा होगा। कोई और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई और रिजॉर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ द हाउस। होप यू लाइक द स्मॉल टेरेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सी मोर ऑफ माई हाउस एंड माई स्मॉल मोमेंट्स इन द लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।